सब्सक्राइब करें रूहानी दुनिया पर लाइन को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब चैनल रोहानी दुनिया फरनान की जानिब से तमाम प्यारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो का जो मौजू है वो है दुश्मन पर फालिज का अटैक करवाना। तो दोस्तों, ये बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त और तेज़ तरीन वजीफ़ा है, किसी सूरत भी इसका वार खाली नहीं जाता। तो दोस्तों, जो दुश्मन आपको तरह तरह से तंग करता हो, तकलीफ़ देता हो या बहुत ही जुल्म करता हो, तो दोस्तों उसके लिए आप इस तरीके पर जो है ना अमल करके जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं और उस पर जो है ना फालिज की शिकायत हो जाएगी और बहुत ही जो है ना ज़िंदगी उसकी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वजह से सोच समझ कर जो है ना ये वजीफ़ा करें। तो दोस्तों, मैं आपको ये इसका वजीफ़ा बताता हूँ, इससे पहले मैं आप तमाम प्यारे दोस्तों से जो है ना गुजारिश करूँगा, प्यारी माओ से, प्यारी बहनों से, प्यारे दोस्तों से, भाइयों से, कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल रानी दुनिया फार नाइन में न्यू है या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल यूट्यूब चैनल रानी दुनिया फार नाइन को ज़रूर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मैं आपके लिए जो है ना अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना मुजरब अमलियात तावीज़ात की रोज़ाना में इंशाल्लाह कोशिश होती है कि अपने जो है ना ख़ानदानी मुजरब और आजमूदा अमलियात तावीज़ात की वीडियो में अपलोड करके आपको शेयर किया करूँ ताकि आप जायज़ ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ आप भी जो है ना मेरे को सपोर्ट करें और जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये आपका एक प्यार है हमारे साथ और एक मोहब्बत है। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी और साथ आने वाले घंटे के निशान को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिला करें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक की जानिब। दोस्तों, ये वजीफ़ा जो है ना दुश्मन पर फालिज गिराने का कुछ यूँ है कि आपने जो है ना मगरिब की नमाज अदा करने के बाद आपने जो है ना जानमाज पर खड़े हो जाने, अगर लेडीज़ हो तो घर पे भी कर सकती हैं और मर्द हो तो वो जो है ना मस्जिद में भी कर सकते हैं या जहाँ भी नमाज़ पढ़ें, तो वहाँ पर जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद फिर आपने जो है ना सूरत अलम तरकैफ़, सूरत फ़ील आपने पढ़नी, अलम तरकैफ़ फ़ाल रब कब असहाबिल फ़ील, ये आपने दुश्मन का जो है ना तसव्वुर करना है कि वो फालिज में मुबतला हो गए। तो दुश्मन का ख्याल तसव्वुर करके आपने जानमाज पर खड़े हो के मगरिब के टाइम आपने जो है ना 101 बार ये सूरत पढ़नी है और उसके बाद आपने जो है ना दुश्मन के लिए बददुआ करनी है कि उस पर फालिज का हमला हो जाए और फालिज का अटैक हो जाए। तो ये दुआ कर लेनी है आपने। तो इस अमल पर जो है ना आप रोज़ाना जो है ना ये अमल जो है ना वजीफ़ा जारी रखें। इंशाल्लाह इस वजीफ़े के कुछ ही दिन बाद जो है ना आपको पता लग जाएगा कि दुश्मन पर फालिज का अटैक हो चुका है और वो शदीद किस्म की मौजी बीमारी में जो है ना मुब्तला हो चुके हैं। तो दोस्तों जो है ना इस वीडियो को मैं आप इस अमल को मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि जायज़ ज़रूरत आप इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं, नाजायज़ किसी पर हर के जुल्म ना करें। तो इंशाल्लाह ताला जायज़ करेंगे तो कामयाबी ज़रूर होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह ताला अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मेरी तरफ से इस अमल की सबको इजाज़त है, जायज़ ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।